अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। हम लोगों ने अब तक जितना भी हमारा ये कोर्स का आउटलाइन के हिसाब से चलते आ रहे हैं, और उसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को देख लिया, फाइनाइट ऑटोमेटा को देख लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, यानी कि DFA और NFA, और रेगुलर एक्सप्रेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने TG को भी डिस्कस किया था, ट्रांजिशन ग्राफ को, और उसके साथ साथ GTG, ठीक है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है हमारे पास। अच्छा, देखिए कि हर मेथड को हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हम उसको आसान बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने जो एक डिस्क्रिप्टिव वे था उसको ख़त्म करने के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया कि चीज़ों को थोड़ा सा कंपाइल कर दें, कम कर दें, चीज़ें समझने में आसान हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने NFA को यूज़ किया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमारा एक एक्यूरेट पोजिशंस को डिनोट करता था, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी था, लेकिन ये NFA जो है वो कदरे आसान था DFA से, लेकिन अ लिटल बिट कंफ्यूज कर देता था, क्योंकि देखिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें एग्जैक्ट हमें बता रहा है कि हाँ जी क्या डायरेक्शन है, कहाँ स्टेट है, कहाँ एंडिंग होगी। इसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा भी वे हो जाते थे, हम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाता था, इसमें डेड स्टेट की ज़रूरत पड़ती थी, हर स्टेट के ऊपर हमें बताना पड़ता था कि ये यहाँ पर करेक्टर अलाउ होगा, ये करेक्टर अलाउ नहीं होगा। लेकिन जबकि NFA के अंदर हमें डेड स्टेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जब रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसी वजह से आते हैं कि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है, लेम मैन किस्म का बंदा भी ग्राफ समझ के, डायरेक्शन समझ के, और वो पहुंच जाता है अपनी मंजिल के ऊपर। जिस तरीके से अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र में भी हम लोगों को जो नेविगेशन चल रही होती है वो भी हमें डायरेक्शन से बता देते हैं कि हाँ जी आपने इस लेन में, तो हम लोगों को, हर बंदे को जो पहली बार भी वहाँ से जा रहा है उसके लिए भी आसानी हो जाती है कि भाई वो क्या कर रहा है। अच्छा, हर उसके रूल्स से मैं बात कर चुका हूँ कि रूल्स से, NFA के भी रूल्स थे कि यहाँ पर जनाब अला एक एक जो स्टेट है उसके ऊपर एक ही ट्रांजिशन चल रही होगी तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन DFA के केस में ऐसा नहीं होता था। DFA के केस में एक स्टेट के ऊपर वो जो अल्फ़ाबेट्स पूरे हमारे पास लैंग्वेज के अंदर सेट है वो मुकम्मल हैं, और उसके बाद दो पूरी ट्रांजिशन उसके ऊपर चलना लाजिम होता था, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए आसानी की तरफ आते जा रहे हैं, और ज़्यादा आसानी की तरफ। अब TG क्या है, ट्रांजिशंस ग्राफ, आपको सारा डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग एक ही ट्रांजिशंस के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर, जैसे कि अगर हम पास कर रहे हैं और हमें पास करना होता था AAA अगर पास करना है तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमें एक स्टेट बनानी है, दूसरी स्टेट बनानी है, तीसरी स्टेट बनानी है, फिर हर उसके ऊपर जाकर वो A और इस तरह पास होगा। लेकिन ट्रांजिशंस ग्राफ जो है और ज़्यादा इजी वे में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिंगल ट्रांजिशंस के ऊपर भी मल्टीपल जो है वो हम अपने ट्रांजिशंस को, करेक्टर्स को कैरी कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो इसके रूल्स देख लेते हैं कुछ भी, जो कि आप लोगों से कंपैरिजन भी करते जाएंगे, जो डिफरेंस है पुराने वालों से, NFA और DFA से। नंबर वन पे TG का जो है रूल, कैन बी मोर देन वन इनिशियल स्टेट। आपको याद होगा कि DFA और NFA जो भी चीज़ हम पढ़ रहे थे उसके अंदर जो इनिशियल स्टेट होती थी जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, क्यू नॉट से, या हम खाली माइनस के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम S स्टेट के नाम से भी उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हमारे पास एक ही स्टेट होती थी पूरे DFA के अंदर, NFA के अंदर, लेकिन TG जो है हमें और आसानी दे देता है कि जिनाब कैन बी मोर देन वन इनिशियल स्टेट, हम लोग एक से ज़्यादा भी इनिशियल स्टेट रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में नल ट्रांजेक्शन्स आल्सो अलाउड, इसके अंदर हमारे पास नल ट्रांजेक्शन्स अलाउ होती थी, DFA के केस में नल ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होती थी। जब भी हमने कोई भी चीज़ पास करनी है, मतलब कि एक स्टेट से गुजरना है, तो हम नल सेट को भी, नल ट्रांजेक्शन्स को भी अलाउ करके हम जंप कर देते थे दूसरे स्टेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है कि वी अलाउ द मशीन टू रीड मोर देन वन करेक्टर, वही बात जो मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ कि हम लोग एक से ज़्यादा करेक्टर को भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया ये,
और इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि टीजी को हम किस तरीके से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन रूल्स को भी फॉलो करते हुए। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, और उसके अंदर हमें एक कंडीशन दे दी जाए कि आपके पास तीन टाइम जो है थ्री टाइम्स ए लाजिम आएगा, थ्री टाइम्स, ठीक है, या और थ्री टाइम्स हमारे पास बी लाजमी आएगा और उससे पहले और उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे। तो टी जी बनाने से पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि यार इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए कि सबसे पहले हमारे पास ना या तो थ्री टाइम्स ए आएगा या थ्री टाइम्स बी आएगा, उसको हम लिख लेते हैं ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी, क्योंकि हम लोगों ने यही सीखा है कि जो चीज़ लाजमी आनी है कंफर्म है हमारे पास उस चीज़ को हम लोग मेंशन कर ले, बाद में क्या आएगा और कितनी टाइम्स आएगा और वो उसको हम बाद में कर सकते हैं। अब उसके बाद ए भी आ सकता है, इसके बाद में लास्ट में ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि हम ए प्लस बी का पूरे का होल स्टार कर देंगे, तो ये हमारे पास ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन में अवेलेबल है कि जनाब आला ए प्लस बी ए पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है, चाहे वो अब कितनी भी दफ़ा भी आ जाए बी 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 आ जाए पहले या एक ही दफ़ा बी आ जाए और उसके बाद सारा ट्रिपल ए लाजमी आएगा, ठीक है, ये एक बार बी थ्री ए और बाद में कुछ भी ना आए, इस तरीके का भी बन सकता है, या इसके अलावा और बी बी बाद में भी आ जाए, तो ये हमारे पास लाजमी और उसके बाद भी ए आ सकता है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व अगर करें तो हमारे पास ये इनिशियल सेट टीजी के अंदर हम लोगों ने अब क्या कर दे रहे हैं, अगर हम ये टीजी ना बना रहे होते, ठीक है, अगर हम ये टी जी को ना बना रहे होते तो हम लोग क्या कर रहे होते, हम एक बार ए पास कराते फिर एक स्टेट को चेंज करते फिर दोबारा ए कराते फिर एक स्टेट चेंज करते, इस तरीके से हम लोग इसको प्रोसेस को लेके जाते। लेकिन टी जी ने हमें क्या वो दी है, आसानी कर दी है कि वी अलाउ द मशीन टू रीड मोर देन वन करेक्टर, हम एक से ज़्यादा करेक्टर्स को भी ईजिली पास कर सकते हैं, तो हम लोग थ्री टाइम्स ए एक ही साथ इसको मेंशन कर सकते हैं और ये हमारा जो वन हो गया इसको हम फाइनल स्टेट बोल दें, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब ए प्लस बी हमारा बाद में भी आ रहा है और एंड में भी आ रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हम लोग ए प्लस बी भी इसमें लूप चला सकते हैं। इसी के साथ अब देखिए कि इनिशियल स्टेट हम लोगों ने बात की कि इनिशियल स्टेट, अब पहला जो है कैन बी मोर देन वन इनिशियल स्टेट, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट भी हो सकती है, क्योंकि या तो ट्रिपल ए आ सकता है और ये या बी आ सकता है, हम एक और इनिशियल स्टेट भी इसके साथ डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी ए और बी और इसका भी ए और बी ए लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम थ्री टाइम्स ये डिफाइन कर सकते हैं। इससे अब हमारे पास क्या हो गया, दो पॉइंट्स बन गए, इनिशियल स्टेट तो दो हो गई हैं अभी, हाँ इसको आप नंबरिंग आप ज़रा चेंज कर लें, बेशक ये क्यू वन है हमारे पास, आप इसको इनिशियल स्टेट पे आप क्यू नॉट वन कर दें बेशक, या आप अगर क्यू टू भी कर देंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप क्यू थ्री कर दें, ठीक है। तो ये देखिए कि हमारे पास कितना आसान हो गया। इसी तरीके से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे एग्जांपल में कि नल ट्रांजैक्शंस को भी हम लोग अलाउ कर सकते हैं तो हम लोग वो भी कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशंस जो ग्राफ है हमारे, ट्रांजिशन जो है टीजी, उसके अंदर किस तरीके से आसानी हुई हम लोगों को चीज़ों को सॉल्व करने में, रिप्रेजेंटेशन करने में। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे पास एक और प्रोसेस भी है कि हम कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है, या हम इसका यूनियन भी ले सकते हैं।
क्या होगा अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हों, मतलब के दो एक्सप्रेशंस अलग अलग हों, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक लैंग्वेज को हम लोग L1 डिफाइन कर लें, एक को L2 डिफाइन कर लें, दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, दो अलग एक्सप्रेशंस हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन की सूरत हो सकती है, TG है, तो उनको भी आपस में हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं या उनका यूनियन ले सकते हैं, वो किस तरीके का हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत आसान और शॉर्ट करके आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसके साथ साथ स्टूडेंट प्रैक्टिस करें और हर चीज़ को के साथ साथ करने में आसानी होती जाएगी। तो दैट इज़ फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखें।